दौरे पर निकले। महाराजगंज में सीएम ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और गोरखपुर में प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी तीन जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर निकले हैं। महाराजगंज में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद महाराजगंज पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि महाराजगंज तेजी से विकास कर रहा है, इसके लिए यहां के सांसद और विधायक बधाई के पात्र हैं। सीएम ने यहां से किसानों आंदोलन को लेकर कहा, देश में कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का गलत मतलब बताया जा रहा है। कम से कम महाराजगंज के बनटांगिया गांव में आकर के देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है, और जो लोग शहरों में रहकर के शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की जमीन को ले लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। चार वर्ष में अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। चाहे विद्युतीकरण का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का हो, आज भी बहुत सारी विद्युत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। आजादी के बाद उन तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर विद्युत पहुंचाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं सीएम योगी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि 60 साल के ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। सीएम ने कहा कि यूपी में हम कोरोना से मजबूती से लड़ रहे हैं। महाराजगंज के बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर में सीएम प्राणी उद्यान का लोकार्पण करेंगे और 29 मार्च तक गोरखपुर में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित प्राणी उद्यान केंद्र का उद्घाटन किया। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान 260 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वैक्सीन लगाने की कार्रवाई को हम 60 साल से ऊपर वाले लोग तो तत्काल वैक्सीन लगा के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन जरूर लगवा ले। और 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जी ने 45 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के साथ जोड़ रहे हैं, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके 1 अप्रैल के बाद अपनी पारी लगने आने के साथ ही वैक्सीन जरूर लगाएं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। और वही